पूरे इंडिया के जो भी किसी कैदी को फांसी दी जाती है तो वह फांसी का जिहड़ा रस्सा होंदा है वह बिहार की बक्सर जेल के अंदर बनाया जाता है। इस जेल के फांसी के फंदे बनाने की शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान ही हो गई सी जिहड़ी कि अज तक भी चल रही है। दुनिया के सब तो ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला जो देश है वह इंडिया है। 2022 के पूरी दुनिया के जिनी भी डिजिटल पेमेंट हुई है वह 46% डिजिटल पेमेंट कल्ली इंडिया के हुई है। इंसान वालों बनाई गई अज तक की दुनिया की सब तो ज्यादा तेज चलने वाली चीज नासा का पार्कर सोलो प्रोब है। यह एक स्पेस शटल है जिहड़ा कि सूरज के आले दुआले 692,000 प्रति घंटे की स्पीड के नाल चक्कर लगा रहा है, जानी कि यह एक सैकंड के 192 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तुसीं इह चीज़ बहुत बार सुनी होनी है कि जदों कोई कुदरती आफत आउण वाली हुंदी है तो उसका जानवरों नूं पहलां पता लग जांदा है। इसका कारण यह है कि जानवर बहुत घट फ्रीकुएंसी की आवाज़ नूं भी सुन लेंदे ने, जबकि इंसान घट फ्रीकुएंसी की आवाज़ नूं नहीं सुन पाउंदा ते जानवर इस नूं पहलां सुन लेंदे ने ते उहनां नूं पहलां इस दे बारे पता लग जांदा है। धरती से मौजूद 5 महासागरों के विचों कला अटलांटिक महासागर एक अजिहा सागर है जिहड़ा सब तो ज़्यादा देशों के नाल लगता है। अटलांटिक महासागर दुनिया के लगभग 133 देशों के नाल लगता है। 2022 की इकनोमिक्स इंटैलीजेंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के रहने के लिए जो सब तो महंगे शहर ने वह ने सिंगापुर ते न्यूयॉर्क। दुनिया के 10 लाख तो वध आबादी वाले जोड़े सब तो ज़्यादा शहर ने वो चीन के ने। चीन के 102 शहर अजिहे ने जिन्हों की आबादी 10 लाख तो ज़्यादा है, जबकि इंडिया 46 यानी कि 46 शहर की आबादी 10 लाख तो उपर है। यह गल तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तियां चार बादशाह होंगे ने, पर यह गल तो बहुत घट लोगों को पता है कि 3 बादशाह तो मुछा होंदियां, पर एक बादशाह अजिहा होंदा है जिसते मुछा नहीं होंदियां। वह बादशाह होंदा है जी पान का, यानी कि किंग ऑफ हार्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार एक बार जो ताश के सारे पत्तियां रीडिजाइन किया जा रहा है तो वह डिजाइनर इस बादशाह के मुछा लाउणियां भुल गया तो उस टाइम तो किंग ऑफ हार्ट यानी कि पान का बादशाह बिना मुछा वाला बादशाह बन गया। फोटो खिंचते समय से चीज कहण का रवाज है ताकि साड़ी समाइल यानी कि मुस्कुराउंदियां दी फोटो सोहनी आ सके। तुहानू इह जान के हैरानी होगी कि कुछ साल पहला विक्टोरिया एरा दे विच से प्रनाउंस कहिंदे सन ताकि फोटो दे विच उन्हां दे मूंह दे उपर सीरियस जिहा इंप्रैशन बन सके। असल दे विच उस टाइम ज़्यादा हसण वालियां नूं गरीब अते शराबियां दे नाल जोड़ के देखिया जांदा सी ते इस दा इही कारण है कि जदों आपां पिछले राजे महाराजां दे बने हुए पोर्ट्रेट भी देखदे हां तां आपां नूं ओह कदे वी ओह फोटो दे विच हसदे जां समाइल करदे नहीं दिसदे, ओह हमेशा ही सीरियस मूड दे विच हुंदे हन। प्याज कटते टाइम अखां दे विच हंझू आना आम गल है, पर की तुसीं जानते हो जेकर तुसीं प्याज कटते टाइम चिंगम नूं चबाओगे तां तुहाडियां अखां दे विचों हंझू नहीं आउणगे। अजिहा उस गंध दे डिफ्यूज होण दी वजह दे कारण हुंदा है जिस दे नाल हंझू निकलदे हन। चिंगम नूं खांदे टाइम असीं मूंह दे नाल साह लैंदे हां ते उह कैमिकल साडे नक्क दे विच नहीं जा पाउंदे, इस लई साडे टीयर गैस प्रभावित नहीं हुंदे। मॉडर्न फिजिक्स की माँ कही जाने वाली मैडम क्यूरी का नाम तुसी जरूर सुनिया होगा। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों से कीतियां हुई अपन खोजा ते पलोनियम ते रेडियम की खोज के लिए जाणिया जाता है, पर शायद तुहानू ये गल का ना पता हो कि रेडियो एक्टिव एलीमेंट ही उन्होंने मरण का कारण बने सन। इसके कारण ही उन्होंने ए प्लास्टिक अनीमिया नाम की बीमारी हो गई जिसने उन्होंने जान ले ली। इतों तक कि रेडिएशन ने उन्होंने कपड़े किताबा फर्नीचर तक न भी नुकसान पहुँचाया। उन्होंने मरण तो 100 साल बाद भी उन्होंने चीज़ा रेडियो एक्टिव ने ते उन्हां लेड बॉक्स दे विच रख्या गया है ते अगले 1500 सालां तक भी उन्हां नूं इस दे विच ही रख्या जाएगा। आईफोन का नाम सुनते ही साडे दिमाग दे विच एप्पल कंपनी दे फोन की फोटो बन जाती है, पर तुहानूं इत्थे जाण के काफ़ी हैरानी होगी कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसनों आईफोन का नाम दिता गया सी उसनों एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाया सी। इस डिवाइस का काम बिना कंप्यूटर नूं वरते स्काइप दे वॉइस फंक्शन नूं वरतना सी। इस डिवाइस दे आउण तों 22 दिन बाद ही एप्पल ने अपने आईफोन का ऐलान कर दिता, जिस दे उपर सिस्को कंपनी ने कोर्ट दे विच केस भी कीता सी ते इह मामला कोर्ट तों बाहर ही आपस विच मिल के निपटा लिया गया। उस तों बाद दोनों कंपनियां नाम नूं वरतण दे लई राजी हो गईं। कई बार जो बच्चे अपने माँ प्यो तो पैसों की मांग करते हैं तो माँ बाप अक्सर ये गल कह देंगे कि इतने कोई पैसों का दरख्त नहीं लग्या जा फिर इतने पैसों का मीह नहीं पैंदा, पर ब्रह्मंड के कई थावां अजिहियां हैं जिथे पैसों को छड्डो हीरियां का मीह पैंदा है। सैटर्न और जुपीटर दो अजिहे ही ग्रह ने जिसके वातावरण के बड़ी मात्रा के कार्बन मौजूद है ते जो मौसम के बदलाव आता है तो कार्बन के उत्ते बिजली डिगदी है तो वह सख्त होकर ग्रेफाइट बन के थले डिगन लगता है तो इतने एटमोसफेरिक प्रैशर इसनों उदों तक सख्त बना है जदों तक वह डायमंड यानी कि हीरा ना बन जाए, इसलिए उत्थे हीरियां का मीह पैंदा है।
कि कोई इंसान इन्ना ज्यादा लकी हो सकता है कि वह एटम बंब के अटैक तो बच जाए, वह भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। यकीन करना औखा है पर जापान के शोशियामा गुची एक अजिहे ही खुश नसीब इंसान ने 6 अगस्त 1945 नूं उन्हां नूं एक बिजनेस ट्रिप ते हीरोशिमा भेजा गया सी। पर उसे दिन अमेरिका ने हीरोशिमा के उपर एटम बंब सुट दिता। यामा गुची के मूँह ते हथ झुलस गए पर उन्हां दी जान बच गई ते वह वापस अपने घर नागासाकी चले गए। तो 3 दिन बाद अमरीका ने नागासाकी उपर भी एटम बंब सुट दिता। इस हमले के विच उन्हां दा घर दा ढह ढेरी हो गया, पर किस्मत दे नाल उस दिन वह ते उन्हां दा परिवार एक अजिही महफूज जगह ते मौजूद सन जिसके कारण उन्होंने बंब का कोई भी नुकसान नहीं झेलना पाया। कुछ लोग अपना भार बदल तो काफ़ी परेशान रहते हैं, पर तुहानू ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि एक अजिहा भी बच्चा होंदा है जिसका वजन हर रोज़ 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक बढ़ता है, जिहड़ा अपने पहले साल के हर रोज़ 90 किलो तक भारी होंदा जाता है। तो एक जवान ब्लू बेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम तक हो सकता है। जिथे सारे देशों के ब्रिज यानी कि पुल लोगों की सहूलत दे लई बनाए जाते हैं, उत्थे ही नीदरलैंड के हैक शहर के सिर्फ इस लई पुल बनाया गया है ताकि गलहरियां बिना किसी खतरे तो हाईवे नूं पार कर सकन। इस पुल नूं बनाउण दे विच खर्चा आया सी 1,08,00,000 रुपए। हालांकि कुदरत नूं पसंद करन वालियां गलहरियां नूं इह पुल कोई खास पसंद नहीं आया ते पिछले 8 सालां दे विच गलहरियां ने इस पुल की वरतों ना बराबर ही कीती है। जो भी होवे पर नीदरलैंड की सरकार की तारीफ करनी तां बनदी है। जदों भी कितें समुद्री डाकुआं की गल हुंदी है तां इक अख ते पट्टी बन्ने हुए इंसान की तस्वीर साढ़े मन दे विच बन जाती है। पर इत्थे तुहानू इह जाण के काफ़ी हैरानी होवेगी कि दुनिया का सब तो सफल समुद्री डाकू कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज़ औरत सी जिसका नाम सी चिनसी। तो चिनबन नाम के समुद्री डाकू की विधवा सी। मन्या जाता है कि एक टाइम से 1800 समुद्री डाकुआ के जहाजों से उसका राज चलता सी ते उसके थले 80,000 समुद्री डाकू काम करते सन। जेकर तुहानू ये पूछा जाए कि दुनिया की सब तो ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब कौन है तो तुम बाइबल कुरान या हैरी पॉटर बारे सोचोगे, पर तुम ये सुन के हैरान हो जाओगे कि फर्नीचर और होम असैसरी बेचण वाली कंपनी आईकिया की कैटलॉग दुनिया की सब तो ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब का रिकॉर्ड अपने नाम करती है। लगभग 2 दर्जन भाषावां दे विच हर साल इस दी 20 करोड़ कापियां छापिया जांदियां ने। पासवर्ड एक जनीक कोड होंदा है जिसनों आप चीज़ों सुरक्षित रखने के लिए वरतते हाँ। अजिहे हर एक का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए है, पर एक रिसर्च के गल का दावा किया गया है कि दुनिया के लगभग 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है ते वो पासवर्ड है 1,2,3,4,5,6। रिसर्चर के मुताबिक वार बार जागरूक करने की कोशिशों के बावजूद भी लोग एक सौखी तरह का पासवर्ड रख लेते हैं तो बहुत जल्दी साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। ये गल तो आप सारी जानते हाँ कि खूनदान करने के नाल किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, पर जेकर मैं पूछा कि कोई भी कल्ला इंसान अपने पूरे जीवन के खूनदान करके किन्ने लोगों की जान बचा सकता है तो शायद तुम 10, 15 या 20 लोगों बारे सोचोगे। पर आस्ट्रेलिया के मैन विद द गोल्डन आर्म 81 साल जेम्स हैरिसन ने 1954 तो 2018 तक 1,137 बार खूनदान किया सी ते उन्हां दे खून दे नाल 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई है। असल दे विच जेम्स दे खून दे विच बहुत ही अनोखे तरह का एक ब्लड प्लाज्मा है जिहड़ा कि प्रैगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली बीमारी के इलाज के विच वरत्या जाता है ते यही कारण है कि वह कल्ले ही इन्ने लोगों की जान बचा सके।